इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% ईसी एक कीटनाशक का टेक्निकल है, अर्थात यह एक कीटनाशक का तकनीकी नाम है जो कि कीटों को नियंत्रित करता है। यह व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, इसका उपयोग एकारी साइट के रूप में भी किया जा सकता है, यानी यह मकड़ियों को भी नियंत्रित कर लेता है। यह कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है, फसल में डोज क्या रखना है, किन फसलों पर उपयोगी है, क्या इसे किसी अन्य दवाई के साथ मिला सकते हैं, कार्य करने का तरीका, सारी जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन की चर्चाएँ यहाँ होती रहती हैं। दोस्तों, इमामेक्टिन बेंजोएट एक मैक्रोसाइक्लिक कीटनाशक है जो जलीय हाइड्रोलिसिस के बाद भी स्थिर रहता है। इसकी क्रियाविधि यानी कार्य करने के तरीके की बात की जाए तो यह ग्लूटामेट और वाई ब्यूटिरिक एसिड जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को तीव्र करता है। रसायन यानी दवाई के संपर्क में आने पर कीट जल्दी से खाना बंद कर देता है और अंततः मर जाता है। इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% ईसी मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित बताया गया है। बात की जाए किन किन फसलों पर उपयोग कर सकते हैं तो यह मूंगफली, कपास, सोयाबीन, कुसुम, सभी सब्जियां, सभी बागवानी फसलें आदि जैसी फसलों पर उपयोग किया जा सकता है। कीट नियंत्रण में यह हेमोप्टेरा, डिप्टेरा, थाइसोनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और माइट्स से संबंधित सभी कीटों को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग कीट के शुरुआती अवस्था में करें जब फसल में कीट लगना शुरू होते हैं और आवश्यकता अनुसार इसे आप दोहरा सकते हैं। इसका जो डोज है 75 ml से 250 ml पर एकड़ तक रख सकते हैं। इसकी आवश्यकता अनुसार इसका डोज रहता है। यदि कीट अधिक हैं तो 250 ml पर एकड़ रखें और कम कीट होने पर 75 ml पर एकड़ इसका डोज रख सकते हैं। दोस्तों, दवाइयों के उपयोग के समय सावधानी बरतें, त्वचा, मुंह और सांस के सीधे संपर्क में आने से बचें, ग्लव्स पहने और मुंह बांधकर स्प्रे करें। तो दोस्तों, यह थी इमामेक्टिन बेंजोएट 9% ईसी की जानकारी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से सवाल जवाब और सुझाव दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।